ये मच्छर घूम रहा है यार। भाई क्या है यार, क्यों तंग कर रहा है? वीडियो एडिटिंग के न्यू ऐप फ्री वे, और कोई वाटरमार्क भी नहीं आएगा। फ्री म्यूजिक भी मिलेगा, फ्री साउंड इफेक्ट्स भी मिलेंगे, वीडियो की बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स है भाई, पूरी वीडियो ध्यान से देखो ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपली प्ले स्टोर पर जाओ एंड यहाँ पर सर्च कर लो यूट्यूब क्रिएट, तो मैंने ये ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, आप भी कर लेना। पहले देख लो इसको यूज कैसे करना है ताकि आपको बाद में मुश्किल ना आए कोई भी चीज सीखने में। तो आराम से बैठ जाओ, वीडियो एडिटिंग सीखो, बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से समझाने लगा हूं। तो ऐप को ओपन करते हैं। सिंपल सा काम है, पहले प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी गैलरी ऊपर खुल चुकी है। फोटोज और वीडियोज की ऑप्शन है कि जिसकी भी आपने एडिटिंग करनी है, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी फोल्डर में डाटा पड़ा हुआ है वो यहाँ से हम फोल्डर को ओपन कर लेंगे। आज बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आपको ये सारी आवाजें भी सुनेंगी। तो ये मेरे फोन में कुछ वीडियोस पड़ी हैं, इनको मैं ले आता हूँ। तो सिंपली जैसे टैप करके सिलेक्ट करते हो, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत है, 5 ले आते हैं। वैसे आप जिस भी ऐप में एडिटिंग करते हो ना, चाहे VN में, कैपकट में, आई थिंक मुझे लगता है ये आपको ऐप अच्छी लगेगी क्योंकि फ्री है, कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, कोई पैसे नहीं देने, मतलब मजे मजे करने। और अभी वैसे ये बीटा वर्जन में है, अभी इसका फाइनल वर्जन जब आएगा यार और मजे आ जाएंगे। तो लो जी वीडियोज हमारे यहाँ पर पहुंच चुकी है। नीचे हमारे पास ये टाइमलाइन होती है जहाँ पर हमारी क्लिप्स होती है, इनको ऐसे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं ऐसे करके। अभी आप ध्यान से देखो, मेरी जो वीडियोज हैं वो ऐसे वर्टिकल हैं रील्स वाले फॉर्मेट में, लेकिन जो इसने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है भाई वो ऐसे यूट्यूब वाला है 16:9 हॉरिजॉन्टल। तो इसको ठीक ऐसे करना है, सिंपल सा काम, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम जाएंगे एस्पेक्ट रेशियो में, यहाँ से हम कर देंगे 9:16 सेव। अब ठीक हो गया, अब एडिटिंग करने लगे हैं। पहला काम क्या होता है भाई, जो क्लिप्स में फालतू चीज़ें हैं उसको डिलीट कर दो। तो जैसे ये पहली क्लिप है, टैप करो, लेफ्ट साइड से ट्रिम कर लो इसको, यहाँ तक मुझे चाहिए, राइट साइड से ट्रिम कर लो। ये दूसरी क्लिप आ गई, ये मैं चाहता हूँ बीच में से कट डाल दें कि बीच वाला कुछ पार्ट नहीं चाहिए, तो जहां से नहीं चाहिए वहां पर आ जाओ। नीचे से स्प्लिट लिखा हुआ है, स्प्लिट पे क्लिक कर दो और मुझे ये पार्ट यहां तक नहीं चाहिए, फिर से स्प्लिट कर दिए और बीच वाले पे टैप करके सिंपल सा काम है यार, नीचे से डिलीट कर देंगे। अभी आप अगर चाहते हो कि जो लास्ट वाली क्लिप है वो आप शुरू में लेकर आना चाहते हो, शुरू वाली को लास्ट में लेकर आना चाहते हो, ऐसे आगे पीछे क्लिप्स को करना है, तो जिस भी क्लिप को मूव करना है पहले उसके ऊपर आ जाएंगे, टैप करके सिलेक्ट करा, अभी करेंगे लॉन्ग प्रेस और इसको ऐसे जहां पर भी मूव करना चाहते हो वहां पर मूव कर लो। ऐसे ये शुरू में लगा दिया मैंने। अब ये जो बंदा योगा कर रहा है, मैं चाहता हूँ दूसरे नंबर पे ये क्लिप चले, तो सिंपल सा काम है यार, इसको सिलेक्ट करा। ये गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें आएंगे आज, सॉरी यार क्या कर सकते हैं, अंदर लाइट गई हुई थी तो मैं फिर बाहर आ गया वीडियो बनाने, अब आपके लिए वीडियो तो बनानी है। तो सिंपल सा काम है यार, इसको टैप करके सिलेक्ट करा, अभी लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको आगे 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 ये सेकेंड नंबर पे यहाँ पर लाके छोड़ दिया। वीडियोस के बीच में ट्रांजिशंस ऐड कर दिए, तो देखो जैसे ये बीच में ये साइन आ रहा ना, ये एक्स बना हुआ है, इसके ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पर देखो भाई बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं, इनकी टाइमिंग्स कम ज़्यादा करनी है। जैसे मैं चाहता हूँ ट्रांजिशन काफ़ी जल्दी आ जाए तो मैंने इसको कम करा, क्या बात है। और ये तो बेसिक वाली होगी भाई, इनमें इंटरेस्टिंग वाली ट्रांजिशंस भी है, टीयर जैसे पेपर कट फट गया था ना वो वाली ट्रांजिशन है ये देखो, ये टीवी ग्लिच वाली भी है, इसके बाद नीचे और भी है, रबर वाइप होगी, ये विंडोज एरर वाली ट्रांजिशन ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, अरे वाह ग्रिड ट्रांजिशन, अरे भाई साहब ट्रांजिशंस तो काफी अमेजिंग है यार इसमें, क्या बात है। ये मच्छर घूम रहा है यार, भाई क्या है यार, क्यों तंग कर रहा है, पता नहीं कहाँ उड़ गया। कैमरा शेक ट्रांजिशन, अरे ये टाइमिंग कम करके देखता हूँ, सही है यार ट्रांजिशंस बहुत इंटरेस्टिंग है यार इसमें, तो लगा लगा के देखना ट्रांजिशन सारी, जो पसंद आए नीचे से डन पे क्लिक कर देना वो लग जाएगी। अब वीडियो पे अगर टेक्स्ट लिखना है, ये ए लिखा हुआ है ना नीचे, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके दो ऑप्शंस और मिल जाएंगी, प्लेन टेक्स्ट की और टेक्स्ट इफेक्ट्स की। पहले प्लेन टेक्स्ट लिख के दिखाते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर episode 1, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको ऐसे नीचे रख दिया मैंने, और कितनी देर तक ये टेक्स्ट चाहिए सीन में इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और इतना ही नहीं इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। वो देखो नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है स्टाइल की, स्टाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट पहले चेंज कर देते हैं, फॉन्ट की कलेक्शन भी भाई ये देखो मॉडर्न फॉन्ट्स भी हैं, क्या बात है। ये वाला फॉन्ट बताओ कौन यूज़ करता है, फॉरेन का क्रिएटर है काफ़ी यूज़ करते हैं ये फॉन्ट, फॉन्ट लगा दिए, इसके बाद कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इसका कलर आ जाए येलो, येलो कर देते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड लगानी है, बैकग्राउंड पे आ जाओ,
ये देखो, और इतना ही नहीं, बैकग्राउंड के अगर कॉर्नर्स जैसे तीखी तीखे है ना, तीखे तीखे कॉर्नर्स को राउंड शेप में करना है, रेडियस बढ़ा दो। ये देखो, है ना, बहुत ही सही चीज। तो इसमें सिंपल सा काम है, बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये चीजें मैं ऐसे यूज नहीं करता। एक और चीज आपको दिखाता हूँ, बैकग्राउंड को पहले बंद कर देते हैं। बंद कैसे करना होता है, सिंपल, ये कट वाला बटन होता है शुरू में, इसके ऊपर क्लिक कर देना, बैकग्राउंड हट जाएगी। अभी देखो आउटलाइन पे चलते हैं। ये टेक्स्ट को अगर आउटलाइन देनी है, जैसे ब्लैक कलर की आउटलाइन या रेड कलर की आउटलाइन देते हैं, नीचे से थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो देखो कितनी बड़ी आउटलाइन लग रही है। और ये नहीं चाहते, अगर आप शेडो देना चाहते हो तो ये देखो भाई, शेडो की ऑप्शन भी है, रेड कलर की शेडो, ये देखो। और शेडो के अंदर भी दो ऑप्शन है, हार्ड शेडो के सॉफ्ट शेडो। ये वैसे हार्ड शेडो आ रही है, अगर सॉफ्ट करेंगे तो देखो कितनी सॉफ्ट सी शेडो आ रही है, जो पता भी नहीं लग रहा शायद, लेकिन आ रही है, आ रही है। हार्ड शेडो लगा देते हैं, डन। तो ये चीज आपने वैसे मेरी वीडियोस में भी देखी होगी, येलो कलर का टेक्स्ट होता है, पीछे रेड कलर की शेडो आ रही होती है। और स्टाइल कर दिया, इसके बाद टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं भाई, एनिमेशन के ऑप्शन भी है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं एनिमेशन वाले। और इसकी अगर टाइमिंग कम करनी है कि जल्दी जल्दी आ जाए टेक्स्ट, ये राइट वाला लगाते हैं, ये देखो राइट साइड से टेक्स्ट आ रहा है, नीचे से टेक्स्ट लेकर आना है, तो स्लाइड अप वाला इफेक्ट है, ये स्लाइड राइट है भाई, बने बनाए इफेक्ट्स हैं, कोई की फ्रेम नहीं लगा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, जस्ट क्लिक कर रहे हैं और इफेक्ट आ रहा है अपने आप। अब टेक्स्ट को एनिमेट करके एक और चीज दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं चाहता हूँ शुरू में मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से आ जाए और जब जाए तो राइट साइड की तरफ जाए, बहुत आसान है। तो पहले जो एंट्रीज की करवानी है ना, वो मैं करता हूँ विप पैन राइट, ये वाला, यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, फिनिश, अभी नीचे जाएंगे, अभी फिर से ये वाला विप पैन राइट पे क्लिक कर देंगे, ये देखो। अब देखो प्ले करके दिखाता हूँ, ये टेक्स्ट आया लेफ्ट साइड से, ये टेक्स्ट रहा स्क्रीन के ऊपर, अभी जाएगा राइट साइड की तरफ। वैसे ये चीजें हमें की फ्रेम्स लगाकर एनिमेट करनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक ही आ रही है। अभी आपको अगर वीडियो में और आगे टेक्स्ट भी लिखना है, एक काम तो आप कर सकते हो, नीचे से आप टेक्स्ट पर जाओ, फिर से प्लेन टेक्स्ट लिखकर सारा उसको स्टाइल कर दो, वैसे वैसे कर दो। लेकिन इसका आसान तरीका भी है, जो पहले हमने टेक्स्ट लिख दिया हुआ है ना, उसके ऊपर जस्ट टैप करना है, एंड लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ रही है नीचे डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट करो, जहां पर रखना है लॉन्ग प्रेस करो, आगे लेते जाओ, जहां पर भी रखना है वहां पर रख दो, जितना बड़ा करना उतना बड़ा कर दो। इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो टैप करो, नीचे से एडिट पर जाओ, वर्ड चेंज कर दो, जैसे लिख दो योगा। तो अभी जस्ट इसमें एनिमेशन नहीं आएगी जो हमने एनिमेशन करी थी, लेकिन बाकी टेक्स्ट का फॉन्ट वैसा आएगा, टेक्स्ट का स्टाइल वैसा आ जाएगा, सिर्फ एनिमेशन आपको दोबारा करनी पड़ेगी, वो आप कर लेना अपने हिसाब से, चाहे एनिमेशन को चेंज करके भी कर सकते हो। और इसी तरह टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, इनमें से भी जो भी आपको बढ़िया लग रहा है आप वो यूज कर सकते हैं, एडिट करके अपना नाम वहां पर लिख सकते हैं। अब वीडियो के अंदर हमने कुछ ग्राफिक्स का यूज करना होता है, एनिमेशंस का यूज करना होता है, इमोजीज होती है, ऐसी ऐसी चीजें जो वीडियोस को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है, तो वो चीजें हमें यहीं पर ही मिल जाएंगी स्टिकर के अंदर। स्टिकर के अंदर चलो, ये सबसे पहले तो स्टिकर की ऑप्शन है, इसके अंदर जैसे एरोज वगैरह हमने यूज करने हैं, ये लाइक एंड सब्सक्राइब है, एनिमेशन के साथ ही आ रहे हैं। अगर जिफ्स में चल जाएंगे तो यहाँ पर हमें अलग अलग जिफ्स भी मिल जाएंगी, जैसे ये व्हाट्सएप वगैरह में भी होती हैं जिफ्स। और अगर सिंपल इमोजीज चाहिए तो भाई इमोजी के अंदर चले जाओ, इमोजीज मिल जाएंगी, और वो भी एनिमेटेड भाई, लेकिन ये पूरी स्क्रीन पर आ रही है, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पर लगाना है वहाँ पर लगाओ। अभी भाई फ्री म्यूजिक की ऑप्शन जो मिल रही है वो भी आपको दिखा देते हैं, तो साउंड के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पर देखो काफ़ी सारा म्यूजिक हमें मिल रहा है अलग अलग कैटेगरीज के साथ। अगर आप म्यूजिक का लाइसेंस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर ये देखो व्यू यूजेज लाइसेंस, और यहाँ पर इन्होंने खुद लिखा हुआ है ये जो म्यूजिक है ये आप यूज कर सकते हो किसी भी वीडियो में, जो वीडियोस आप मोनेटाइज भी करते हो उनमें भी यूज कर सकते हो, नो एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कुछ क्रेडिट देने की भी जरूरत नहीं है कि किसका म्यूजिक आप यूज कर रहे हो, यूट्यूब खुद से वो आर्टिस्ट को क्रेडिट दे देगा कि हम इसका म्यूजिक है, वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन जो चीज आप नहीं कर सकते, जो आपको नहीं करनी है, वो है कि आप ये म्यूजिक को डाउनलोड करके किसी और को ऐसे म्यूजिक बेच नहीं सकते, किसी और को ऐसे दे नहीं सकते। अगर आपने यूज करना है तो इसी ऐप के अंदर ही आपको यूज करना है। जैसे ये म्यूजिक आपको बढ़िया लग रहा है, यहां से एरो पे क्लिक करेंगे, लग गया म्यूजिक। अभी म्यूजिक की आवाज को ज्यादा करना है कम करना है वो भी कर सकते हैं, वॉल्यूम के अंदर से म्यूजिक की आवाज कम करनी है ज्यादा करनी है, म्यूजिक के अंदर जो बीट्स होती हैं उसको फाइंड करना है, फाइंड बीट्स के अंदर चल जाएंगे, और ये ऑटोमेटिक रहेगा कि जहां पर बीट आ रही है वहां पर अगर आपने कट लगाने हैं तो बीट आपको ऑटोमेटिक फाइंड करके दे देगा, यहां यहां पर बीट है और आप कट लगा लो अपने हिसाब से। अरे मच्छर बहुत काट रहे हैं यार, और इन्होंने बोल दिया वी हैव फाउंड द बीट्स, वी फाउंड द बीट्स, इनको बीट्स मिल गई हैं भाई ऑटोमेटिक। वीएन के अंदर तो हमें खुद से वो बीट मार्कर लगाने पड़ते हैं ना, इन्होंने खुद से ढूंढ के दे दी बीट्स, ये देखो कितनी सारी बीट्स इन्होंने ढूंढ दी हैं। आपने अगर बीट के हिसाब से कट लगाने हैं तो जहां पर ये बीट आ रही है ना, जैसे यहां पर आ रही है
यहाँ पर आ जाओ, वीडियो के ऊपर स्प्लिट कर दो, इसको चेंज करना चेंज कर दो, सीन चेंज करना है इसको डिलीट कर दो। अभी बीट के हिसाब से कट लग गया, देखा। और सिर्फ म्यूजिक ही नहीं भाई, साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर हमें। तो साउंड इफेक्ट्स के लिए भी साउंड के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स का ऊपर बटन आ रहा है, अलग अलग साउंड इफेक्ट्स की कलेक्शन है यहाँ पर, और ऊपर सर्च का बटन भी है। जैसे आपको कोई साउंड इफेक्ट्स चाहिए, जैसे मुझे बेल का साउंड इफेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सिंपली बेल। ये फनी साउंड इफेक्ट भी आपने सुना होगा यार। अगर आपको खुद का म्यूजिक आपके फोन के अंदर, वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं योर म्यूजिक के अंदर से। और आजकल वो मिनी व्लॉग्स या डेली व्लॉग्स भी चल रहे हैं ना, जिसके अंदर पीछे से वॉइस ओवर चलता रहता है, सामने वीडियोस चलती रहती है पीछे से वॉइस ओवर चलता रहता है, वो भी चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में आ जाना है आपको, नीचे से क्लिक करना वॉइस ओवर पे। अभी वीडियोस को देख देख कर जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोलते रहना, रिकॉर्डिंग को ऑन करना है। तो ये जी मेरा पहला एपिसोड, मैं यहाँ पर बैठ के आराम से योगा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, और मेरा ध्यान साइड की तरफ गया। मैंने साइड में देखा है मुझे किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ। फिर मैं थोड़ा सा और योगा करने चला गया पहाड़ों के ऊपर। फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैं अपने योगा करता हूँ, लोग अपने आप मुझे सब्सक्राइब कर देंगे। ऐसे ही मैंने कहानी बोल दी कि मैंने ऐसे जो भी दिमाग में आया वीडियो को देख के मैंने बोल दिया। अभी प्ले करते हैं। यहाँ पर म्यूजिक की आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो म्यूजिक को कम कर देते हैं, फॉग मिस्ट पर जाकर वॉल्यूम इसकी कम कर देते हैं। तो ये मेरा पहला एपिसोड, मैं यहाँ पर बैठ के आराम से योगा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, और मेरा ध्यान साइड की तरफ गया। अभी म्यूजिक को डिलीट करता हूँ मैं, एंड आपको एक चीज मैंने करके दिखानी है। अगर आपने ऑडियो में से नॉइज को कम करना है, ऑडियो को बढ़िया बनाना है, तो ऑडियो के ऊपर टैप करो, नीचे से ऑप्शन है ऑडियो क्लीन अप की, ये ऑटोमेटिक ऑडियो को प्रोसेस करेगा और हमें ऑडियो को क्लीन करके दे देगा। बहुत सारे फीचर्स है यार, बहुत सारे कमाल कमाल के फीचर्स एक ही ऐप में, वो भी फ्री में। अभी वीडियो में अगर कैप्शंस भी साथ साथ में लिखने हैं वो भी कर देगा ये। तो नीचे से हम जाएंगे कैप्शंस के अंदर, यहाँ से क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड पे, तो सोर्स की ऑप्शन आ रही है कि आपने वीडियो जो डाली है उसके हिसाब से आपने कैप्शंस लिखने हैं, कि आपने जो वॉइस ओवर करा हुआ है उसके हिसाब से। तो ये जो वीडियोस है इनमें तो आवाज है नहीं, क्योंकि ये मैंने डाउनलोड करी हुई है, लेकिन जो मैंने अभी वॉइस ओवर करा है उसमें तो आवाज है मेरी, उसके हिसाब से कैप्शंस कर देते हैं। तो यहाँ से सोर्स के अंदर करेंगे कैप्शंस वॉइस ओवर, लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हैं, इंग्लिश स्पेनिश हिंदी, हिंदी को सेलेक्ट करके देखते हैं जनरेट। तो कैमरा की बैटरी खत्म होगी, अभी फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आईफोन लगाया हुआ मैं। तो ये जी मेरा पहला एपिसोड, मैं यहाँ पर बैठ के आराम से योगा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, और अरे भाई क्या बात है यार, बहुत ही कमाल के इसने कैप्शन भी लिख दिए यार। लेकिन उनको देखते हैं मॉडिफाई करके भी सही करता मॉडिफाई, अगर मैं इसको जैसे नीचे रखना है मैंने, नीचे भी आ गए हैं। अगर आपने कैप्शंस को चेंज करना, इनको मॉडिफाई करना है, बहुत ही आसान है, एडिट पर जाओ, यानी यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे ये भैया वर्ड है इसको मैंने चेंज करना है, ये इंग्लिश में लिखना है इसको, तो हम लिख देते हैं भैया, ऐसे भी कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर जाकर उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, साइज को बड़ा कर दिया, फॉन्ट को चेंज कर दिया, बैकग्राउंड लगा दी, वही चीज़ें जो टेक्स्ट के साथ हम करते थे वही चीज़ें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अभी मैंने सारी नीचे वाली ऑप्शन तो आपको बता दी, लेकिन आपको यार बिल्कुल शुरू में एक ऑप्शन थी ओवरले की, वो नहीं आपने बताई, वो भी अभी आपको बता देते हैं। तो ओवरले में क्या होता है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे सपोज करो नीचे ये वीडियो आ रही है, ऊपर चाहता हूँ मैं एक फोटो आ जाए मेरी गैलरी में से, तो सिंपली ओवरले के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जैसे ही फोटोज के अंदर चल मैं जाता हूँ ये वाली मेरी फोटो आ जाए, तो अपनी फोटो को मैं ले आया, इसको मैंने यहाँ पर रखा। तो बेसिकली ओवरले का यूज करके एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ओवरले वो चीज कर सकते हैं। अगर आपने कैपकट या वीएन यूज करा आपको पता होगा। अभी आपको थोड़े से एडवांस इफेक्ट्स भी दिखाते हैं, है तो एडवांस इफेक्ट्स लेकिन बहुत ही आसान है भाई, सिंपली ओवरले कर जाएंगे। एंड यहाँ से जैसे ये वाली वीडियो को मैं ले आया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी मैं चाहता हूँ ये वीडियो की बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और इसके पीछे जो योगा कर रहा है ना बंदा, वो सीन इसके पीछे आ जाए, और ऑटोमेटिक भाई इसके अंदर जस्ट सिंपली इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से कटआउट, लो जी हो गया कटआउट डन। एक ही क्लिक से बैकग्राउंड भी रिमूव हो रही है, वो भी वीडियो की, और इफेक्ट्स के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही कमाल कमाल के अलग अलग इफेक्ट्स हैं भाई, सच में यार बहुत ही कमाल की है वह। और जब आपने एडिटिंग कर ली सारी, इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट। अब क्वालिटी पूछ रहा है नीचे, हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड हम हाई क्वालिटी में करते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है जी, बिना किसी वाटरमार्क के, वो भी फ्री में।